नमस्कार, मैं हूं शिवांगनी प्रसाद और आप देख रहे हैं न्यूज बीके। और मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। समय है खबर फटाफट का, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मऊरानीपुर में ठहरने का आलीशान स्थान होटल बेलव्यू रेस्टोरेंट, जहां है लजीज खाना, कॉन्फ्रेंस हॉल, फुली एयर कंडीशन रूम्स। यहां मिलेगा वाईफाई नेटवर्क के साथ स्वच्छ वातावरण। एक बार जरूर आए। नारायण टॉकीज के पास स्टेशन रोड मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट 9936107730। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस रुक गई है, बच्चों को पर्सनल अटेंशन और सुरक्षा की जरूरत है और आपको अपने एरिया में अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे, तो अब आप बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए हम पर। जी हाँ, क्योंकि यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ निखारते हैं उनकी पर्सनालिटी को। स्कूल में वर्चुअल और वीडियो लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द एडमिशन कराएं। एकेडमिक हाइट्स स्कूल, सलासर धाम कॉलोनी, नियर ब्लॉक ऑफिस बिहाइंड होटल सिप पैलेस, मोरानीपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है और पहली खबर झांसी से। झांसी में विश्व क्षय रोग दिवस पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जन जागरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मरीजों को इलाज के साथ साथ दिए जा रहे हैं सेहत बनाने को ₹500 प्रति माह। झांसी में ग्वालियर रोड स्थित मंदिर से लौट रहे राष्ट्रभक्त संगठन के कार्यकर्ताओं पर हुआ हमला। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंचल अड़गरिया ने शराब माफिया पर लगाया आरोप। होली के उपलक्ष्य में कॉलेज की हुई छुट्टियां, छात्र छात्राओं ने होली से पहले ही दिल खोल कर उड़ाया रंग गुलाल। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बाहर छात्र छात्राओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मनाया त्योहार। मऊरानीपुर में अनियंत्रित कार ने तोड़ी दुकानें, अनाड़ी चालक ने कईयों को पहुंचाया नुकसान, बाइक सवार को भी मारी जोरदार टक्कर। और गरौटे में कबूतर डेरा पर पुलिस ने की छापेमारी, 70 लीटर अवैध शराब की गई बरामद, तो वही 300 किलोग्राम लहन किया गया नष्ट। क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में गुरसराय SHO ने ग्राम लखावती में लगाई संयुक्त चौपाल, लोगों की सुनी समस्याएं, साथ ही लोगों से कोरोना के प्रति जागरूक रहने की अपील। चुनाव से पहले अराजक तत्वों को भी किया सावधान। विश्व प्रसिद्ध ओरछा के रामराजा मंदिर में 31 मार्च तक आम दर्शनार्थी नहीं कर सकेंगे प्रवेश। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के चलते मंदिर प्रबंधन और जिला कलेक्टर ने लगाई रोक। तहसीलदार रोहित वर्मा ने दी जानकारी। तत्काल कार्रवाई और निराकरण को लेकर निवाड़ी ने मध्य प्रदेश में पाया पहला स्थान। पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह के निर्देशन को गृह मंत्रालय ने सराहा। जालौन जिला कारागार यूपी में बेहतर सुविधाओं में अब तीसरे स्थान पर। उरे में आयोजित कार्यक्रम में श्रम एवं समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जेल अधीक्षक को ISO सर्टिफिकेट देकर किया सम्मानित। जालौन नगर क्षेत्र में स्थित ATM को तोड़कर रुपए चुराने का किया गया असफल प्रयास, मकसद में कामयाब नहीं हुए तो तोड़फोड़ कर भाग निकले बदमाश, जांच में जुटी पुलिस। पुणे में एक प्रेस लिखी हुई पिकअप गाड़ी से कई क्विंटल सिंथेटिक खोआ किया गया बरामद, ले जाया जा रहा था कानपुर की तरफ, जांच के लिए भेजा गया सैंपल। ललितपुर में आगामी त्योहार को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने बुलाई पीस कमेटी की बैठक, आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने व कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील। ललितपुर के पाली में उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व थाना अध्यक्ष ने नगर में पैदल मार्च निकालकर लोगों को कोरोना के प्रति किया जागरूक, मास्क पहनने की दी गई नसीहत। ललितपुर के मेहरौनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलावन में खड़ी फसल में लगी आग, अचानक आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप, कई एकड़ की फसलें जलकर हुई खाक। और यूपी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर ललितपुर के ग्राम दैलवारा में कहना गौवंश स्थल पर गौ पूजन एवं गौ भोज कार्यक्रम हुआ आयोजित। सदर विधायक राम रतन कुशवाहा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। छतरपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक विवेक राज सिंह ने टीकमगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम में की समीक्षा बैठक, कानून व्यवस्था को लेकर की गई समीक्षा। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें खबर फटाफट में। कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए न्यूज़ पीके। नमस्कार।